नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तिरुपति नर्सरी द्वारा नकली पौधे देकर ठगी करने के संबंध में राधे श्याम यादव हाल मुकाम बरूड, जिनके द्वारा स्थानीय बेजापुरा क्षेत्र के कृषक राधे श्याम यादव, जिनके 2 एकड़ की मिर्च के पौधे 1355 क्वालिटी व पद्मा क्वालिटी उत्पादन हेतु तिरुपति नर्सरी बड़वाह से 16,000 पौधे लिए थे, परन्तु जो बीज के पौधे दिए गए थे उक्त पौधे बुकिंग के न होते हुए अन्य कंपनी के दे दिए गए, जिससे मिर्ची का उत्पादन नहीं हो पा रहा है और मुझ गरीब किसान का 2 एकड़ में कुल ₹5,00,000 का नुकसान हो चुका है, जिससे किसान कर्ज भी नहीं दे पा रहा है। इस संबंध में तिरुपति नर्सरी के कर्ता धर्ता लक्ष्मण कांग निवासी बड़वाह को उक्त कृषक ने कई बार फोन लगाकर बताया कि मेरा मिर्च का पौधा गलत आ चुका है, इसकी जांच के लिए कंपनी वालों को भेजो, परंतु नर्सरी के कर्ता धर्ता कृषक को 2 माह से गुमराह कर रहा है। इस संबंध में कृषक द्वारा उद्यानिकी विभाग एवं पुलिस थाना बड़वाह पर भी आवेदन दिया गया, परंतु विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाई। इस संबंध में जब इस प्रतिनिधि ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही साइंटिस्ट टीम को भेजने का आश्वासन दिया और संबंधित नर्सरी को मालिक का उचित कार्रवाई करने की मांग की। अब देखना यह है कि मिर्च की फसल के नकली पौधों के रूप में पौधे की गई ठगी पर क्या कार्रवाई होती है और कृषक को क्या न्याय मिलता है। तिरुपति नर्सरी बड़वा द्वारा आपको नकली पौधे दे दिए गए, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? कि सर, मैं ये चाहूंगा कि भाई मैंने 1355 बुकिंग करी थी तो 1355 का तो एक भी पौधा है नहीं। अच्छा, तो फिर मैं तो आज घाटे में हूँ ना, मेरे को तो 5 लाख 10 लाख का घाटा है मेरे को। आपने कितने हजार पौधे बुक करे थे? मैंने 16,000 बुक करे थे। आप नर्सरी वालों को सूचना दी आप लोगों ने? मैंने सूचना दे रखी है, 1 महीने से मैं फोन लगा रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहे अभी। और आने के लिए बोल रहे हो, सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाते जा रहे कि आओ आएंगे आएंगे विजिट करेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई सा भी विभाग आए और इसकी इंक्वायरी करे भाई 1355 पौधा है कि नहीं इसमें। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? राधेश्याम यादव।